ओके, तो मैंने जो वीडियो बनाया था उससे पहले तो लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे, डाउट नहीं थे कुछ चीज़ों में, पूछ रहे थे कि वो लड़की कौन है, दानिश के लिए क्यों रो रहा है इतना। तो मैं क्लियर कर दूं कि जो फोटो आ रहा है वो जो लड़की है ये एक्चुअली दानिश जैन की बहुत ही क्लोज फ्रेंड थी, और अभी की नहीं, 2 हफ्ते या 1 महीने पहले की भी नहीं, सालों पुरानी फ्रेंड। तो हुआ यूँ था कि दानिश और साथ में रहते थे, साथ में स्टोरीज मारते थे बहुत ज़्यादा पहले के टाइम पे, और अभी भी जब दानिश बहुत ज़्यादा पॉपुलर होने लगा तो अभी वो नहीं थे साथ में, दानिश ने भी उनको अनफॉलो कर दिया था, तो पता नहीं एकदम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था हम लोग के लिए बीच में। लेकिन अब जब ये हुआ है तो होता है, सबकी लाइफ में मोमेंट आता है जब आपके क्लोज आप से दूर चले जाते हैं। दानिश को हमारे सपोर्ट की ज़रूरत है। मैं दानिश को कब से 1-1.5 साल से फॉलो कर रहा हूँ यूट्यूब पे और सब पे, जब टैलेंट डिलीवरी होने से बहुत पहले से, तो मैंने उनकी स्टोरीज में उन लड़की को देखा है बहुत बार। तो पहले हम लोग को ये लगता था कि वो उनकी गर्लफ्रेंड है, तो काफ़ी वीडियोज़ ऐसे भी थे यूट्यूब पे, आप सर्च में तो पता चलेगा। पर जब आगे बात बढ़ी तब तो हम लोगों ने किसी और लड़की की स्टोरी में दानिश को देखा था, जैसे लाइक थी उनकी गर्लफ्रेंड, अब उनका डिलीट हो चुका अकाउंट, तो तब मालूम पड़ता कि नहीं उनकी क्लोज फ्रेंड है या ऐसा वैसा। सो आज जब शॉकिंग था वो, जब मैंने इंस्टाग्राम पर स्टोरी चेक की और वो वीडियो मैंने देखा तो बहुत ज़्यादा रो रहे थे, उनका DP जो था वो भी उन्होंने हटा दिया था, तो बहुत ज़्यादा शॉकिंग था। एंड मैं प्रे करता हूँ बस कि उनको आत्मा को शांति मिले एंड दानिश जल्दी से जल्द वापस ठीक हो जाए। फैमिली आप इंतज़ार कर रही है फिर से उनके नए वीडियोज़ की, आई होप कि दानिश भाई जल्दी ठीक हो जाओ और वीडियोज़ डालो एंड सब ठीक हो जाएगा। होता है कोई क्लोज होता है अपने से दूर चला जाता है कभी ना कभी, सबको जाना है, सबका एक टाइम होता है, कोई बात नहीं। ओके फैम ब्रो।